हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का दिन का जो इंट्राडे सेशन रहा, जो कि अभी कंटिन्यू हो रहा है 14 मई 2020 को, वो कैसा रहा, कौन से स्टॉक में मैंने ट्रेड किया, कहां पे एग्जिट किया, क्यों मैंने ट्रेड किया, इस चीज को यहाँ पे हम देखेंगे। तो होपफुली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं एंड वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो पहले तो देख लेते हैं आज जो भी स्टॉक मैंने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो भी स्टॉक मैंने वॉचलिस्ट में डाल के रखे हुए थे, या फिर ये सारे स्टॉक जो मैंने विंडोज ओपन करके रखे हुए थे, ये मैंने सुबह ही ओपन करके रखे हुए थे। इन स्टॉक सिलेक्शन का जो पहला जो प्रोसेस है वो हावली गेनर हावली लूजर पे मैं लेता हूँ, जो की आपको इस साइट पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा। हर घंटे के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो अभी 1 बजा है, तो 1 बजे तक जो 12 से लेके 1 बजे तक जो स्टॉक सबसे ऊपर है वो स्टॉक आपको मिलेगा। ये चीज आपको एनएससी साइट पे हवाली बेसिस पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आप देखिए, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वीडियो को जाके देखिएगा। तो इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉक सिलेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो मोमेंटम ट्रेड था, तो पहला जो ट्रेड था जो मैंने लिया वो है इंडिगो में था। वो मैं पोजिशन आपको दिखाता हूँ, जो पोजिशन है 2200 का, जो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इंडिगो में। नेक्स्ट जो ट्रेड था वो वेदांता में, वो मुझे 1200 का प्रॉफिट हुआ। 440 क्वांटिटी था इंडिगो में एंड वेदांता में 3000 क्वांटिटी का वेदांता में ट्रेड था। तो पहला जो, इसके बाद मैकडोनल्ड में भी बहुत ही अच्छा ट्रेड बन रहा था, लेकिन ये ट्रेड मेरे से निकल गया। मतलब यहाँ पे सही टाइम पे मैंने कैचअप इसको नहीं कर पाया। अगर देखो तो ये एक ट्रेंगुलर पैटर्न था, और ट्रेंगुलर पैटर्न को यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन तो जरूर दिया है, लेकिन इसमें वॉल्यूम क्रिएशन देखिए बिल्कुल भी इसमें हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद वॉल्यूम क्रिएशन बहुत ही अच्छा हुआ है एंड इसके चलते देखिए ये स्टॉक ऊपर की ओर भागा है। तो ये जो ट्रेड था, ये ट्रेड मेरे से निकल गया, मैंने नहीं ले पाया, लेकिन इसको लेना था। यहाँ पे हो सकती है मेरा एंट्री, यहाँ पे हो सकता था मेरा एंट्री, और यहाँ से कम यहाँ तक मैं ट्रेड कर सकता था। वॉल्यूम क्रिएशन देखिए, जो जो कैंडल 1 मिनट का कैंडल जहां पे ब्रेकआउट दे रहा है, उसका वॉल्यूम को आप कंसीडर करिए, कंपेयर करिए लास्ट वॉल्यूम के साथ। लास्ट कंपेरेटिवली लास्ट वॉल्यूम के कंपैरिजन में उससे ज्यादा होने चाहिए, तब जाके इसमें आप रिट्रेसमेंट के बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। रिट्रेसमेंट इन द सेंस, एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ और एक ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका स्विंग लो पे, या फिर जो कैंडल ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के लो के बेसिस पर आप लगा सकते हैं। 1:1 का तो आपको मिलना ही मिलना है इस स्ट्रेटेजी में। मोमेंटम ट्रेड है, देखिए 3-4 मिनट में ही, या देखिए 4-5 मिनट में ही आपको स्टॉक कहां से कहां भाग गया। मतलब 515 से लेके ऑलमोस्ट 523, तो 4-5 मिनट में ही इसमें स्टॉक ने भागा। तो ये ट्रेड तो छूट गया, लेकिन जो ट्रेड हमने आज लिया वो चीजों को समझते हैं। पहला जो ट्रेड था वो था इंडिगो में, तो इंडिगो में जाके देखते हैं इंडिगो में एक्चुअली क्या हुआ है। तो इंडिगो का ये चार्ट है, तो मार्केट यहाँ पे शुरू हुआ इंडिगो का चार्ट, और यहाँ से फॉर्मेशन होने के बाद देखिए यहाँ पे एक लो बनाया, और सेकंड जो लो बनाया वो यहाँ पे बनाया था। और अपसाइड की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न जो बन रहा था वो एक ट्रेंगुलर पैटर्न था, और ट्रेंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएशन हुआ है वो भी बहुत जबरदस्त वॉल्यूम क्रिएशन हुआ है, वो आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको समझ में आया। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, और ब्रेकडाउन का जो वॉल्यूम है कंपैरेटिवली जितने भी वॉल्यूम है उनके कंपैरिजन से बहुत अच्छा वॉल्यूम है। तो इसके बेसिस पे मैं रिट्रेसमेंट को वेट कर रहा था, मतलब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन सेल साइड पे मैं जा रहा था, तो इसलिए ग्रीन कैंडल को वेट करूंगा। ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर एक रेड कैंडल के लो ब्रेकआउट पे मेरा जो ट्रेड बना था इस कैंडल पे बना था। 10:09 का जो कैंडल है वहां पे मेरे एंट्री हुई थी, जब ये प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ था। तो उसके बाद जो मेरा स्टॉप लॉस बनता था वो जो ब्रेकडाउन कैंडल था, ये जो रेड कैंडल था इसके हाई पे स्टॉप लॉस बना था। 1:1 का भी अगर आप टारगेट, पहला जो टारगेट लगा के रखोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस कैंडल पे मेरा हिट हुआ था। 5 रुपए का जो है मेरा टारगेट था, और यहाँ पे इमिडिएटली अचीव हुआ था। मतलब मेरा जो एंट्री हुआ था 10:09 पे, और एग्जिट हो गया था 10:12 पे। लगभग 3 मिनट में मेरा टारगेट हिट हुआ था 2000। इसके बाद और एक कंफर्मेशन है कि इसका जो ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है और जो कैंडल टारगेट हिट हुआ है, देखिए उसका वॉल्यूम उसके जो ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम से भी ज्यादा क्रिएशन हुआ है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप टारगेट भी नहीं लगाते हो, इसके क्लोजिंग बेसिस पे आपको निकल जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको कम से कम इसमें 2 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट मिल जाता है इंडिगो में।
अगर आप टारगेट नहीं लगाते हो, अगर आप टारगेट लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इस टारगेट में, यहाँ पे 970 का जो टारगेट था इसमें 969.10 का लो बनाया हुआ है, तो आपका जो टारगेट था 970 का यहाँ पे हिट हो गया होगा। तो ये था स्ट्रेटेजी, देखिए 2-4 मिनट में ही आपको इसमें जो है प्रॉफिट मिला है। और सारा ट्रेड ऐसे ही रहता है, मैकडोनल्ड का भी मैंने आपको दिखाया, अभी मैं आपको वेदांता का दिखाऊंगा। तो देखिए सेकंड जो ट्रेड बना था वो वेदांता में बना था, अभी भी मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अभी 90.30 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं वेदांता में प्रीवियस डाटा पे क्या हुआ था आज के दिन। ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हुआ वेदांता में, तो इसको लेट एंट्री मैंने किया था, लेट एंट्री इन द सेंस बहुत टाइम के बाद यहाँ पे मुझे एंट्री मिला था। तो यहाँ पे अगर आप पहला चीज यहाँ पे देखोगे तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, तो आपको देख रहा होगा यहाँ पे एक लो बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे लो बनाया, फिर से यहाँ पे हाई बनाया, तो 2 पॉइंट हायर साइड पे 2 पॉइंट लोअर साइड पे मिल गए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा था, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन था इसका सपोर्ट ले रहा था। तो फिर आपको इसमें क्या करना था, आपको इसमें एक ट्रायंगुलर पैटर्न में भी एक पैटर्न बनता था उसको आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक लो है और ये लो को, अगर ये लो से यहाँ पे भी एक लो बनाया हुआ है, इस लो को जोड़ता हूँ तो ये एक और एक ट्रेंगुलर सॉरी और एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, ठीक है ना। इसको अगर यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ तो देखिए ये ट्रेंगुलर पैटर्न सॉरी ट्रेंड लाइन का है, और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट ये ऑलरेडी यहाँ पे दे चुका था डाउनफॉल की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी इसने ब्रेकडाउन दे चुका था। और जो हमारा निचले वाला जो ट्रेंड लाइन था उसके नीचे, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट पे हम वेट कर रहे थे, और साथ ही साथ और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपके लिए बन रहा था जो कि ये वाला हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन था, क्योंकि इसका जो लो है आप देख सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की ओर आ रहा था, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो लास्ट था यहाँ पे ब्रिटिश ने ब्रेकडाउन दिया विद ग्रेट वॉल्यूम, आप देख सकते हैं इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पे इसने ब्रेकडाउन दिया आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम क्रिएशन है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन को भी ये ब्रेकआउट कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकडाउन दे रहा था, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकडाउन दे रहा था, तो कहीं ना कहीं तीन ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकडाउन देने के बाद ये लास्ट वाले ट्रेंड लाइन पे हॉरिजॉन्टल का जो ट्रेंड लाइन था उसको इसने ब्रेकडाउन दिया विद ग्रेट वॉल्यूम। तो इसमें एंट्री के लिए मैं अभी आपको ढूंढना चाहिए, अभी आपका स्टॉक सिलेक्शन हो गया, स्टॉक सिलेक्शन के बाद आप एंट्री पॉइंट ढूंढ, एंट्री पॉइंट आपको रिट्रेसमेंट के बेसिस पे मिलेंगे, मतलब आपको वेट करना है कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन का, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ ठीक है, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्मेशन, लेकिन रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ ठीक है, हमारा एंट्री अभी तक नहीं हुआ, फिर एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, फिर एक रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे भी, फिर एक रेड कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, इसका लो ब्रेक हुआ, तो कहीं ना कहीं ये 11:15 पे आपकी एंट्री हो जाए। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, स्टॉप लॉस जहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है उसका हाई के थोड़ा ऊपर आप लगा सकते हैं, वॉफर लगा के, जैसे कि इसका हाई है 90.45, इसके थोड़ा ऊपर 90.50 पे आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ 11.15, मतलब 11:15 पे हमारा एंट्री हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसमें ये देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिला, लेकिन जो हमारा स्टॉप लॉस था वो अभी भी इंटैक्ट था, वो हिट नहीं हुआ था, तो हम अपने साइड पे बने थे कि ट्रेड साइड पे ये नीचे की ओर जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, मैं कंफर्मेशन यहाँ पे ही हो गया था कि यहाँ पे ये नीचे जरूर जाएगा। 1:1 का मेरा जो टारगेट था 1:1 का था, आप चाहे तो इसके वॉल्यूम के बेसिस पे भी एग्जिट कर सकते थे, अगर वॉल्यूम के बेसिस पे एग्जिट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका एंट्री एग्जिट हो जाती है ना। तो 1:1 का भी जो टारगेट था अगर आप लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री हुआ था 90 पॉइंट, मेरा जो एंट्री हुआ था 90.20 पे हुआ था, एंड एग्जिट पॉइंट था 90.50 पे, तो 0.3 का मेरा जो टारगेट था, आप देखिए कितना अच्छे तरीके से ये लगभग 1 पॉइंट जो है ये नीचे की ओर गया है, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा ट्रेड था। वेदांता में भी मुझे 1200 का प्रॉफिट हुआ है, मैं हमेशा 1:1 पे ही ट्रेड करता हूँ, आप चाहे तो ज्यादा प्रॉफिट के लिए इसको वॉल्यूम के बेसिस पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेड था जो होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा था, इसमें थोड़ा टाइम लगा क्योंकि एंट्री के बाद अगर आप देखें 11.45 में, लेकिन आपका जो एग्जिट होता वो 11.40 पे होता, तो लगभग 15 मिनट का आपको इसमें जो है टाइम लगा, लेकिन 1:1 का अगर आप लगा के चलोगे तो 11.33, मतलब 5 या 10 मिनट में आपको जो है इसमें जो है आपको सॉरी 15 मिनट में आपको इसमें एग्जिट हो जाते हैं, टारगेट हिट हो जाता आपका। तो बहुत ही अच्छा ट्रेड था वेदांता में भी, और मैकडोनल्ड में भी जो ट्रेड था वो मिस हो गया, यहाँ पे मैंने देख नहीं पाया, नहीं तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा और एक प्रॉफिट मिल जाता। वैसे ही मैं मोमेंटम जो स्टॉक है उनको सिलेक्ट करता हूँ और मोमेंटम के बेसिस पे
मैं ट्रेड करता हूँ, आप भी ट्रेड करिए, बहुत ही अच्छा काम करता है। इसका जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।